दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई ने एक विशेष जांच टीम का गठन भी कर दिया है। जांच टीम में गया जिले के टिकारी के रहने वाले तेज तरार सीबीआई आईपीएस अधिकारी नूपुर प्रसाद भी शामिल है। बिहार के गया में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। गया की बेटी ने देश के चर्चित सुशांत सिंह हत्याकांड से पर्दा हटाने का जिम्मा लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गया जिले के टिकारी अनुमंडल स्थित बेलहरिया पंचायत के सलेमपुर गांव की। इस गांव के लोग मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे हैं। गांव के हर एक आदमी का सीना चौड़ा है। पूरे गर्व के साथ इस गांव के रहने वाले लोग बताते हैं कि टिकारी की बेटी आईपीएस नूपुर प्रसाद अब निश्चित तौर पे सुशांत हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेगी। नूपुर प्रसाद के चाचा को अपनी भतीजी पर शान है। वह कहते हैं कि नूपुर बचपन से ही तेज तरार स्वभाव की रही है। जिस काम को ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। हमें पूरा विश्वास है कि सुशांत हत्याकांड के गुनाहगारों को सलाखों के पीछे डालने में पूरी मुस्तैदी और फर्ज के साथ कामयाब होगी। आदेश मिला है तो पालन कर रही है, काम कर रही है, बढ़िया अच्छा कर रही है। हम लोग को भी बहुत खुशी है, गांव वालों को भी बहुत खुशी है। पेपर ऊपर में भी छपा तो थोड़ा सा लोग उसको सब आकर्षित हुए पढ़ कर करके भी, तो अच्छा काम कर रही है तो अच्छा ही हम लोग कहेंगे। हम लोग को तो खुशी होता ही है। मुझे पूर्ण विश्वास है और भगवान के भी आशीर्वाद है, वो निश्चित रूप से उस केस में बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा नाम करेगी और देश का नाम और साथ साथ हमारे समाज और हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनको टैकल करने का मौका मिला है और मैं 100% आश्वस्त हूं कि नूपुर प्रसाद बहुत अच्छा से टैकल करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को पूरा न्याय दिलाएंगे। ये उसकी उपलब्धि है, ये उस दर्शाता है कि हाँ उसमें कितनी योग्यता है, कितनी सक्षम है उस करने में, इसलिए उनको मिला है। गौरतलब है कि सुशांत ने बीते 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, गया।